नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सोमवार हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी की मौत हो गई है, जिसकी जानकारी अधिकारियों ने दी। उन्होंने कहा कि यहां के चटपोरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली जानकारी के आधार पर अभियान चलाया गया, जिस दौरान मुठभेड़ हो गई। वहीं सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान की घेराबंदी की, वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलियां चला दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। वहीं इसमें आतंकवादी मारा गया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि एक आतंकवादी ढेर हुआ है, आगे की जानकारी के मिलने की प्रतीक्षा है। ये रविवार के बाद से तीसरी मुठभेड़ है, जहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और कुलगाम जिले में रविवार को हुई दो मुठभेड़ों में आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक पाकिस्तानी सहित दो आतंकवादियों मार गिराए। असम में बाढ़ का कहर जारी है। इसको लेकर रविवार को 3 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। वहीं बाढ़ के कारण 6 लोगों की मौत हो गई, जो 3 अन्य भूस्खलन में मारे गए। भूस्खलन से संबंधित मौतों की जानकारी कछार से मिली। इसके अलावा अभी 8 लोग लापता होने की सूचना मिल रही है। रविवार शाम को राज्य में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 42 लाख से अधिक हो गई। लगातार बारिश के कारण असम में लगभग 5,137 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। वहीं बारपेटा सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां 12,76,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं, जबकि इसके बाद दरांग में लगभग 3,94,000 लोग और नगांव में 3,64,000 से अधिक लाख लोग बाढ़ की चपेट से प्रभावित हैं। वहीं राज्य के 33 प्रभावित जिलों में बिजली, बक्सा, बारपेटा, विश्वनाथ, बोंगाईगांव, कछार, चिराम, दरांग, धेमाजी, धुबरी, उदलगुरी सहित अन्य जिले शामिल हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर हो गए। इसको लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जिले के बहेला थाना इलाके में पुलिस से मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि हॉक फोर्स ने मुठभेड़ में नक्सलियों के डिविजनल कमेटी के मेंबर और 15 लाख रुपये के इनामी नक्सली नागेश और 8-8 लाख रुपये के इनामी एरिया कमांडर नक्सली मनोज और रामे को ढेर किया है। ये क्षेत्र महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। बहेला थाना है, चौकी लोहागड़ी, जिला बालाघाट। यहां पर पुलिस का और नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। एक 15 लाख का डिविजनल कमेटी का जो इनका मेंबर था, उसको एनकाउंटर में मारा है। नागेश उसका नाम था। दो एरिया कमांडर जिन पे 8-8 लाख का इनाम था, एक का मनोज नाम था, एक लेडी का नाम रामे था। ये 3 लोग हॉक्स फोर्स ने एनकाउंटर में मारे हैं। ये इलाका महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ इलाका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कांग्रेस की राजनीति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है और पार्टी किसी आदतन अपराधी को अपना जनप्रतिनिधि नहीं बनाएगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया, अपराधियों को ही जनप्रतिनिधि बना दिया। भाजपा स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इंदौर का मामला संज्ञान में आया है कि किसी अपराधी के परिवार को टिकट मिल गया है, तो तुरंत उन्होंने फौरन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से बात की और उस टिकट को वापस ले लिया। यदि आगे भी ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो ये बात पक्की है कि भाजपा किसी आदतन कुख्यात अपराधी को जनप्रतिनिधि नहीं बनाएगी। कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया, अपराधियों को ही नेता जनप्रतिनिधि बना दिया। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। हमारे नेता जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी कई निर्देश और फैसला है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। और इसलिए जैसे ही इंदौर के टिकट का संज्ञान में आया कि किसी
आतन अपराधी के परिवार को टिकट मिला है, तो तुरंत जैसे ही पता चला, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बात की और तत्काल उस टिकट को विड्रॉ किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के 25 नए मामले सामने आने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जहां बढ़कर अब 107 तक पहुंच गया। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से कल देर रात मुहैया कराई गई जानकारी के अनुसार कोरोना के 456 सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें 25 नए मरीज सामने आए हैं। इन नए मरीजों के मिलने के बाद राजधानी में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 107 तक पहुंच गई। इनमें 101 होम आइसोलेशन में तथा 6 मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 71 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 56 लोग हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 435 एक्टिव केस बचे हैं। जो सैंपल लिए गए हैं वो 7,262 लोगों के सैंपल पिछले 24 घंटे में लिए गए। जो हमारी संक्रमण दर है वो 0.98 वर्तमान में है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। मध्य प्रदेश के कटनी से आदिवासी महिला सुशीला कोल को भाजपा प्रत्याशी बनाया गया। इस दौरान उनका स्वागत किया गया, जहां प्रत्याशी सुशीला ने दिव्यांग और सामान्य में कोई फर्क ना करते हुए अपनी पार्टी के प्रति गौरवान्वित करने की बात कही। इस दौरान स्थानीय सांसद बीडी शर्मा ने वार्डों और निगम परिषद के उम्मीदवारों से भेंट कर सभी को जीत के प्रति आह्वान किया। इस अवसर पर विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक भी मौजूद रहे। जनता पार्टी ने मेरी दिव्यांगता को मेरी ताकत बनाया है और मुझ पर विश्वास करके पार्षद का टिकट दिया है, जिसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ। कल मैं कटनी की बैठक लेने के लिए महापौर के चुनाव को लेकर के यहाँ पर आया था और सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मैं बैठ कर के चर्चा जब कर रहा था तो मेरा एक पर्चे आया कि वार्ड नंबर 27 से जो ट्राइबल वार्ड है, उस वार्ड से अनुसूचित जनजाति की बहन सुशीला कौल जो विकलांग है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मेरा तो मन बहुत प्रसन्नता से भर गया और मैंने कटनी के पूरे नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई दी कि अपने संसदीय क्षेत्र में कटनी जिले के महापौर के चुनाव में वहाँ एक वार्ड में विकलांग बहन जो ट्राइबल है उसको अवसर देने का काम किया है, यही भारतीय जनता पार्टी है। नगर निगम के लिए भाजपा पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद कार्यकर्ताओं में असंतोष दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्षद पद का प्रत्याशी न बनाए जाने से नाराज पार्टी सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा देने की घोषणा की है। इन्होंने सभी 48 वार्डों में निर्दलीय चुनाव लड़ने का शंखनाद भी कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा की ओर से पहले बनाए गए महापौर प्रत्याशी जितेंद्र शाह को महापौर पद पर चुनाव लड़ाने का भी फैसला लिया गया है। बता दें कि सभी बागी एक साथ होकर वार्डों का चुनाव लड़ेंगे। बंद करवा दे, थोड़ी देर के लिए बंद करवा दे। जी जी बताइए, क्या आप लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है, क्या कारण है, क्या वजह है? सामूहिक इस्तीफा का कारण यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो जिला संगठन है, वो जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की अवहेलना कर रहे हैं। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो इतने वर्षों से अपनी मेहनत से इस पार्टी को सींचे हैं, उन कार्यकर्ताओं की अवहेलना हो रही है और पैरासूट से नेता उतारे जा रहे हैं। महापौर का जो पद है वो आदिवासी हुआ है हमारे यहाँ पे, तो आदिवासी क्या। रविवार को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा व वन राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के 3,263 छात्र छात्राओं ने भाग लिया।
परीक्षा मुख्यालय के 12 सेंटर पर कराई गई, वहीं परीक्षा दो चरणों में आयोजित की गई थी। बता दें, परीक्षा के दौरान कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे, अपर कलेक्टर आदित्य रिछारिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा, एसडीएम एल के खरे, तहसीलदार अजय प्रताप सिंह पटेल, नायब तहसीलदार शिवांगी खरे परीक्षा सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। एमपीपीएससी का राज्य सेवा और राजवन सेवा परीक्षा, ये दोनों का संयुक्त रूप से आज का पेपर था, जिसमें इस परीक्षा केंद्र प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में 413 बच्चों को आज अपियर होना था, लेकिन उनमें से 293 बच्चे प्रेजेंट रहे और 120 बच्चे एबसेंट रहे। इस पेपर में दो शिफ्टों में ये पेपर था। पहले शिफ्ट का पेपर 10 से 12 बजे तक है और दूसरी शिफ्ट का पेपर 2:15 से 4:15 बजे तक है। पेपर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। आज यहाँ पीएससी 2022 का पेपर था, जिसमें इस सेंटर का नंबर 31/12, इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 413, टोटल स्टूडेंट्स जो एपियर हुए हैं वो 293 हुए हैं और टोटल एबसेंटीज थे 120। पेपर स्टार्ट हुआ था 10 बजे से 12 बजे तक और हमने बच्चों को एंट्री 9:30 बजे दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को रायसेन जिले में योग दिवस मनाया जाएगा, जहां सांची बौद्ध स्तूप में 2000 से अधिक लोग योग में शामिल होंगे। इस दौरान कार्यक्रम में योग मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह मौजूद होंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दिन पूर्व योग अभ्यास के दौरान बारिश होने से निराशा हाथ लगी। इस दौरान कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, डीएफओ अजय कुमार पांडे, जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा उपस्थित रहे। वहीं कल यानी 21 जून को सुबह 6 बजे से कार्यक्रम स्थल बोध स्तूप सांची परिसर पर केंद्रीय मंत्री तथा अतिथियों का संबोधन होगा। उसके बाद 6:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का प्रसारण होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद सुबह 7 बजे से योग अभ्यास शुरू होगा। अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां चल रही पीएससी की परीक्षाओं का औचक निरीक्षण करने कलेक्टर सतीश कुमार और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान एग्जाम सेंटर पहुंचे। आपको बता दें कि भिंड में 15 कॉलेज में परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जिनमें 4000 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं, जिसके बाद कलेक्टर ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से परीक्षा की निगरानी की जा रही है। मैं और एसपी साहब द्वारा संयुक्त रूप में यहाँ का दो कॉलेज में जो परीक्षाओं का निरीक्षण किया गया है, व्यवस्था ठीक है, बच्चों सुविधाजनक रूप में अपना परीक्षाएं ले रहे हैं और कुल मिला के भिंड में 15 सेंटर से, जिसमें 4000 से ज़्यादा बच्चे इस परीक्षा को आज ले रहे हैं। अभी दूसरे पाली में भी इसमें परीक्षा होंगे। सभी जगहों में हमने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किया गया है प्रशासन की ओर से, एक एक जगह में क्वेश्चन पेपर्स लेके जाने फिर वापस रखने का व्यवस्था किया गया है। पुलिस बंदोबस्त भी सभी जगहों में है, कैमरा की व्यवस्था भी सभी सेंटर्स में हमने किया है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां अग्निपथ योजना को लेकर राज्य के कई जिलों में शुक्रवार को प्रदर्शन देखने को मिला। आक्रोशित युवाओं ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ हाईवे जाम किया। इसी कड़ी में बलिया जिले में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ट्रेनों को नुकसान पहुँचाने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं 17 जून को हुए उपद्रव के बाद से बलिया पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वहीं शहर के चप्पे चप्पे बलिया पुलिस नजर रख रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरह मुस्तैद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो सार्वजनिक स्थान है या संवेदनशील स्थान है, वहाँ पे क्या तैयारी है आपकी? पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, पुलिस और मजिस्ट्रेट सभी ऐसे चिन्हित स्थानों की ड्यूटी लगाई गई। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है। नव युवकों के आक्रोश को देखते हुए रेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं आरपीएफ और जीआरपी पुलिस सतर्क हो गए हैं। इनकी टीम ने कटनी के 3 स्टेशनों में ट्रैक सर्च पर फ्लैग मार्च निकाला, इस दौरान जिसमें भारी पुलिस बल मौजूद रहा। साथ ही प्रदर्शनों को लेकर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए। आज कटनी के सभी रेलवे स्टेशन यात्री ट्रेनों की सघन जांच पड़ताल की गई। एआरपीएफ के डीवाईएसपी साहब थे और ये जो अभी अग्निवीर वालों चल रहा है, जिसके संबंध में सुरक्षा की व्यवस्था करने के संबंध में, तो इस संबंध में
जीआरपी कटनी और आरपीएफ कटनी और मुड़वारा का जो स्टाफ है, इसके साथ में सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैक सर्च किया गया कटनी से लेके मुड़वारा और साउथ कटनी तक का, व्यवस्थाएं देखी गई और मुस्तैदी से इस संबंध में सतर्कता बरतते हुए कार्य किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। ललितपुर में आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। मामला थाना सोचना व ताल बेहट कोतवाली का है, जहां एक किसान और युवक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद में मौत पर गहरा शोक व्यक्त कर परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, गुड़ियारी, न्यू शांति नगर इलाके में सबसे ज्यादा जल भराव से नगर निगम के दावों की पोल खुलती दिख रही है। हल्की बारिश से ही समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, गुड़ियारी, न्यू शांति नगर इलाके में इतना जल भराव हो गया कि लोगों को आवाजाही में अभी से ही परेशानी होने लगी। आधे घंटे की बारिश से ही नालियां ओवरफ्लो हो गईं, वहीं सड़कों पर नालियों का गंदा पानी घंटों तक भरा रहा। हल्की बारिश से ओवरफ्लो हुई नालियां, ये देख अंदाज लगा सकते हैं कि बरसात के पहले ही नालियां और नाले साफ करने का दावा फेल हो गया। वहीं अलग अलग गलियों का भी हाल बेहाल है। ऐसे में जब तेज बारिश होगी और जल भराव अधिक होगा, तब तो और मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब इस समस्या का समाधान होगा। खनिया थाना के राजापुर में रविवार को लगने वाला साप्ताहिक हाट बाजार आम लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बताने की ये हाट बाजार नेशनल हाईवे पर लगाया जाता है, जहां से भिंड, गुना, शिवपुरी की ओर जाने वाले सैकड़ों भारी वाहनों को अच्छी खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वहीं राहगीरों का कहना है कि यहां स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर कोई वाहन अनियंत्रित होता है तो बाजार में दर्जनों लोगों के हाथाहाथ या दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका है। इस बात की शिकायत थाना प्रभारी हरिशंकर शर्मा को की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मेरे भी संज्ञान में है कि एक दफे मैं खुद स्वयं गया था तो मैंने महसूस किया था कि ये स्थिति ठीक नहीं है, कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। और सचिव को मैंने निर्देशित किया था कि आप ये रोड पैसे ये दुकान लगा वाला बंद कीजिए, जब चबूतरा बन चुके हैं तो उसमें बैठा लिए। अब मैं फिर दोबारा आपके माध्यम से वॉइस ने अमल नहीं किया है तो उसको दोबारा मैं निर्देश जारी करता हूँ कि आप 3 दिवस के अंदर ये बिल्कुल भी जो हाथ लगता है वो रोड पे नहीं लगेगा, अगर लगाया गया तो उसके लिए जिम्मेदारी फिर उनकी फिक्स की जाएगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 जून को पेट्रोल पंप मुनीम से 6 लाख रुपए लूटने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झांसी एएसपी शिवहरि मीना ने बताया कि आरोपी कई दिनों से पेट्रोल पंप की रैकी कर रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने मुनीम को लूटने का प्लान बनाया था, लेकिन वह बच गया था। वहीं मुनीम की शिकायत के आधार पर पुलिस अलर्ट मोड पर थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र में 6,25,000 रुपये लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें 4 युवकों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी। पुलिस ने तत्काल इसमें टीमें लगाई गई, सारे तथ्यों को जांचा पड़ताल गया तो उसमें ये तथ्य निकल के आया कि गांव जो पेट्रोल पंप के पास में गांव है, वहीं के एक युवक के द्वारा इसमें रैकी करी गई। 4 युवकों को इसमें सम्मिलित किया गया। पुलिस ने पूरा का पूरा पैसा बरामद कर लिया है, 6,25,000 रुपये। साथ ही साथ जिन बाइकों से लूट की घटना हुई वो बरामद कर लिए, जिन तमंचों के माध्यम से ये घटना कारित हुई है वो तमंचे भी बरामद कर लिए गए। 4 आरोपी इसमें पकड़ लिए गए, 1 आरोपी शेष है, उसकी शीघ्र गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली जाएगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आपसी रंजिश के चलते हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल वार्ड 19 के रहने वाले रंजीत सिंह के घर जाते समय कुछ लोगों ने मारपीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के मामा ने बताया कि बीजेपी के महामंत्री लोकेश पांडे से युवक का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने गुंडों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी है ना, एक एक बार करके पूरा खत्म कर दी उसको। खत्म करने के बाद सरकारी हॉस्पिटल के गेट के सामने उसको फेंक दिया गया है ना, और बहुत दर्दनाक मारे हैं है ना। और मेरे को इंसाफ चाहिए, आप लोग से यही निवेदन है, और उन लोग को फांसी होना चाहिए। घटना है जो केम क्षेत्र में हुई है रात को 12 बजे के लगभग, जिसमें थाना छावनी में हमारे द्वारा
177/22 अपराध क्रमांक के तहत में 294/323/506 और 302/34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किए गए। हत्या का क्या कारण है सर, कुछ पता चल पाया? अभी प्राथमिक जांच में हत्या की जो कारण समझ में आ रहा है इसमें आपसी रंजीत है, जो दो गुटों के बीच में एक जो मृतक है रंजीत सिंह, ये तीन दोस्त जो घटनास्थल पर उपस्थित थे, और जो आरोपी पक्ष है जिसमें तीन लोगों का नाम अभी प्राथमिक रूप से उजागर हो पाया है, और इसमें उनके कुछ और अन्य साथी इनके द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने अग्निपथ के विरोध पर अंकुश लगाने को लेकर रिटायर्ड सैनिकों के साथ बैठक की। बैठक में रिटायर्ड सैनिकों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को अग्निपथ के बारे में समझाने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को योजना में लाभ के बारे में बताया जाए। अगर बच्चों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई होने पर उनका भविष्य खराब हो सकता है। वहीं उन्होंने युवाओं से आंदोलन की आड़ में कानून हाथ में न लेने की भी अपील की। आपने देखा होगा आसपास के जनपदों में कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पे हिंसक प्रदर्शन हुए, एक जगह बस को आग लगा दिया गया, इस तरीके की चीजें हुई, और उसमें कल रात्रि तक ही 100-150 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अब अगर ये 100-150 लोग इसमें इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो चाहे इसका परिणाम जो हो, हम अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, बट इसका परिणाम जो हो, अब वो 100-150 लड़के तो इस रेस से ही हट गए, वो तो अब चयन के श्रेणी में ही नहीं आने वाले, ना अभी ना किसी और चयन की श्रेणी में आने वाले, सरकारी नौकरी उनकी चली जाएगी। खबर मध्य प्रदेश के कटनी जिले से है, जहां मिशन चौक अंडरब्रिज में बनी जाली एक महीने भी नहीं चली, जिससे ये साबित होता है कि सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। आपको बता दें कि मेजर्स नरेंद्र मिश्रा कंपनी ने निर्माण कराया था, वहीं जाली धसकने से आने जाने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर पुल के नीचे जो निर्माणाधीन है 85 करोड़ का जो ब्रिज बना, उसमें एक टाट में मकबल में टाट का पैबंद लगा, जहां लोग रोज गिर रहे हैं। सागर पुलिया के नीचे जो क्रॉस में लोहे की जाली लगी है, बहुत ही घटिया लगी है, जो दब गई है। अभी ये मेरे सामने आ रहा था, एक स्कूटी सवार महिला गिर गई थी, हम लोगों ने उठाया, इसी तरीके से लोग गिर रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि ब्रिज तो बन जाते हैं मगर नगर निगम हैंडओवर नहीं लेती। अगले महीने निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पवई के तहसील कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें कई उच्च अधिकारी शामिल हुए। वहीं जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि रथ यात्रा के समय पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगी हुई आचार संहिता के चलते यात्रा का समय कम किया गया है। इस बैठक में तहसीलदार ज्योति राजपूत, थाना प्रभारी डी के सिंह सहित कई जगदीश स्वामी धर्माद समिति के सदस्य मौजूद रहे। भगवान जगन्नाथ मंदिर की जो रथ यात्रा है, प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आयोजित हो रही है। जो आयोजन समिति है उसका ये कहना है कि जो रथ यात्रा का समय है, जो दिनांक जो है, वो जो पूरी जगन्नाथ उड़ीसा का मंदिर है वहाँ से तय हो रहा है, इसलिए 1 जुलाई को इन्होंने रखा है। हमारा आपसे ये आग्रह था कि आप 1 जुलाई की जगह कुछ आगे पीछे समय कर लें। उन्होंने कहा कि साहब हमारा जो 1 जुलाई का समय फिक्स है और 1 जुलाई को हम लोग यात्रा वगैरह। राजधानी रायपुर में पुलिस ने घुमंतू गैंग की एक महिला समेत 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया। दरअसल मोवा इलाके के आदर्श नगर में महिला लेक्चरर को कमरे में बांधकर वारदात को अंजाम देते हुए आरोपियों को पकड़ा गया है। महिला की सूझबूझ से पड़ोसियों ने गैंग को दबोचा। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले गंज थाना क्षेत्र में 2 घरों में आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। यूपी के सहारनपुर में बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। पूरा मामला सहारनपुर के नुक्कड़ का है, जहां वह सड़क के किनारे खड़े बिजली के पोल में आ रहे करेंट की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए जब उनका पति दौड़ा तो वह भी करंट की चपेट में आ गया। इस हादसे में महिला की मौत हो गई जबकि उसके पति का इलाज जारी है। सहारनपुर में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित हुए, जिसमें इंटर कॉलेज की छात्रा मानसी सिंघल ने नकुड़ तहसील में प्रथम व जनपद में 5वां स्थान प्राप्त किया। मानसी का जनपद में 5वां स्थान आने पर सभी ने उसे बधाई दी। 85.4% जिले में कौन से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये अपने ऊपर विश्वास को
भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे 5 फर्जी आर्मी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ करने पर पता चला कि सभी आरोपी 25 साल से ऊपर के हैं और अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हैं। वहीं 5 आरोपी युवाओं को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों में से एक स्टूडेंट विंग का जिला अध्यक्ष है तो एक जिला पंचायत सदस्य है। देखिए, आज जनपद सहारनपुर में थाना रामपुर मनिहारन अंतर्गत हम लोगों ने 5 फेक आर्मी एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 लोग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग भी मेंबर्स हैं। ये लोग एक्चुअल आर्मी एस्पिरेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, एजिटेट करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे और भड़का रहे थे। इसमें से एक पराग पवार है जो एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टूडेंट विंग का जिलाध्यक्ष है। इसके अलावा संदीप चौधरी है जो कि एक राजनीतिक पार्टी से जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है। इन सभी 5 लोगों की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। वहीं मुरादाबाद रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल मौजूद किया गया। इसके साथ साथ GRP और RPF के जवानों को भी निगरानी के लिए दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मामले को लेकर SP GRP अपर्णा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि यहां किसी भी तरह का उपद्रव नहीं होने देंगे। इसको लेकर GRP लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और संदिग्ध लोगों की तलाशी भी ले रही है। अग्निपथ के अंतर्गत हमारे मुरादाबाद अनुभाग में हर जगह अलर्ट पे हम लोग हैं। RPF के साथ संयुक्त ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। CEOs को भी स्ट्रैटेजिकली पुटअप किया गया है। जहां जहां से भी सूचनाएं आ रही हैं वहां वहां पे पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय किया गया है। संबंधित कप्तानों से बात करके जिला की पुलिस भी का भी सहयोग प्राप्त किया गया है। PAC डिप्लॉय की गई है। इस तरह से जो हमारा अग्निपथ का आक्रोश चल रहा है उसके अंतर्गत अनुभाग मुरादाबाद में पूरी तरह से अलर्ट बरता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को बारिश होने से अब गर्मी से राहत मिल गई। वहीं झमाझम बारिश से माहौल खुशनुमा हो गया। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब मानसून की सक्रियता तेजी से बढ़ने लगी है। इसके प्रभाव से ही प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदल गया। बरसात की शुरुआत होते ही जिला प्रशासन चौकन्ना हो गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर तहसीलदार ने दल बल के साथ करजी और कंठी पहुंचकर अतिक्रमण हटाने का काम किया ताकि सड़क निर्माण में तेजी लाई जा सके और बरसात का पानी से सड़कों पर भराव ना हो, जिससे राहगीरों को किसी तरह से दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। दरअसल अंबिकापुर के दरिमा मोड़ से लेकर नवानगर तक लगभग 25 किलोमीटर की सड़क चौड़ीकरण निर्माण का कार्य चल रहा है। वहीं सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत करने के दौरान अतिक्रमण हटाने की सूचना पहले ही अतिक्रमणकारियों को दे दी गई थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर दरिमा तहसीलदार संजीत पांडे की टीम सहित दरिमा पुलिस मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने का काम करवाया। अंबिकापुर दरिमा मोड़ से नवानगर के लिए जो है, जो अपना मुख्य मार्ग है, इसमें चौड़ीकरण जो है किया जा रहा है। तो 4 महीना पहले राजस्व अमला RI पटवारियों के द्वारा जो है सीमांकन करके शासकीय सड़क की भूमि को लोगों को बता दिया गया था। पिलर भी दोनों ओर जो है सड़क के दोनों ओर गड़वा दिया गया था। लगभग 80% लोग जो है अपने से जो है अवैध बेजा कब्जा को हटा दिए। कुछ लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे, 4 महीने बीत गए अभी तक नहीं हटाए थे। दोनों तरफ सड़क के किनारे जो है नाली बन चुका है और बीच में जो है जो नहीं हटाए हैं वहाँ पर जो है नाली का निर्माण नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा। उन्होंने किसानों और छत्तीसगढ़ के नागरिकों को पेट्रोल डीजल की कमी से हो रही समस्या से अवगत कराया। साथ ही CM बघेल ने छत्तीसगढ़ में स्थित सभी पेट्रोलियम कंपनियों के डिपो में पेट्रोल डीजल की नियमित सप्लाई का आग्रह किया। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सागर पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रत्याशी उषा उमेश श्रीवास्तव सहित अन्य कार्यकर्ताओं का समर्थन करने पहुंचे, जहां उनका स्वागत धूमधाम से किया गया।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बैठक आयोजित की। बैठक में मीडिया से चर्चा कर कहा कि पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनको मूल रूप से लाभान्वित करने का कार्य पंचायत राज करता है, जहां पर पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि के तौर पर पद पर बैठना जरूरी है। ऐसे ईमानदार प्रत्याशी जिताने में पूरा सहयोग करना चाहिए। क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, आदिवासी क्षेत्र, इसके लिए काम तो सरकार कर रही है, पर जब तक अपन पद पे नहीं रहेंगे तब तक काम को धरातल तक ले जाना बहुत मुश्किल की बात होती है। सरपंच हो, जनपद सदस्य अध्यक्ष हैं, तो ये अपने नहीं होंगे तब तक आप सरकार की योजनाओं को धरातल तक नहीं ले जा सकते। इस कारण से हमने ये फाइट की है। ये प्रभास हमने बताया, आज कार्यकर्ताओं की बैठक हमें मानकर चलते हैं। आरएनडी लड़की सीपी जीपी जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको मूर्त रूप देने का काम एक त्रिस्तरीय पंचायत राज करता है। ये चुनाव दलगत नहीं होते, लेकिन हमें मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का धर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता, समझ रखा वाला कार्यकर्ता अगर त्रिस्तरीय पंचायती राज्यों में बैठेगा तो हम गरीब कल्याण की योजनाओं को बेहतर ढंग से मूर्त रूप दे सकेंगे। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में होना निश्चित किया है, जिसका पहला चरण 25 जून, दूसरा 1 जुलाई और तीसरा 8 जुलाई को किया जाएगा। वहीं टीकमगढ़ जिले में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर कई घटनाएं हो रही हैं। वहीं खबर है कि सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसको देखते हुए पीड़ित प्रत्याशी धनीराम अहिरवार ने इस बार टीकमगढ़ जिले के वीरपुर गांव में बने चारों मतदान बूथों पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने के लिए जिला कलेक्टर और मध्य प्रदेश आयुक्त निर्वाचन आयोग से शिकायत की। वहीं प्रत्याशी का कहना है कि मतदान बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए, बाहरी गुंडे मतदान केंद्रों पर बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं। गांव में मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से कई ग्रामीण आगामी चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला पन्ना जिले के जनपद पवई के ग्राम कैमूरिया का है, जहाँ बाशिंदों का कहना है कि गाँव में ना तो सड़क है और ना ही बिजली, जिससे ग्रामवासियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद मुड़कर नहीं देखते, जिससे तंग आकर ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का मन बनाया। लाइट नहीं है, रोड नहीं है, वो मानो रोटा की समस्या है, ऐसे डरे भी हो जाते हैं, आते नहीं है, हमको बहुत दिक्कत पड़ गया, बहुत कोई सुनाई नहीं है, बोटन के बे हो गए तो फिर लौट के नहीं आते, बोटे दे ले आ जाते हैं। ये है पूरे ग्राम वासियों की के हम लोग इस बात से परेशान हैं कि ना तो हमारे यहाँ लाइट है, ना तो रोड है, इस बात को लेकर के हम हैरान हैं। और क्या है कि आउट एरिया है तो समस्या बहुत जटिल है, इसलिए हम लोगों ने ग्रामवासियों ने फैसला किया कि अब जो भी चुनाव आते हैं इलेक्शन उसमें हम लोग मतदान नहीं करेंगे। हमारे तक कुछ की व्यवस्था नहीं है, ना लाइट के, ना पानी के, ना रोड के कुछ नहीं है। सुबह सके साल हमको गली में हो गए तो कोई सुनाई नहीं, लाइट न होने के कारण बारिश में जो हम लोगों को दिक्कत आती है, जैसे अपन गेहूँ पिसवाने जाते हैं तो 6 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है, या फिर घाटी उतर के जाए अपन तो वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ के बच्चों का भविष्य जो है इसके कारण नहीं बन सका, क्योंकि ना ही तो यहाँ रोड है, ना ही तो लाइट है, और यहाँ के जिम्मेवार जो हैं वो ध्यान भी नहीं देते हैं। इस बार मैं आपके माध्यम से ही सुन रहा हूँ, लेकिन ये कैमूरिया गांव जो है छरहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, जो अपने पवई से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपने बताया है तो हम यहाँ पर जो है वो जनपद पंचायत के सीईओ को भी वहाँ भेजेंगे और हम भी जाएंगे,
और जैसा भी होगा उनको ग्रामीणों को समझा के उनकी जो जायज समस्याएं हैं जो उनकी जायज मांग है उसको हम जो है वो उनके बारे में विचार विमर्श करके और उसका निदान कराना सुनिश्चित किया जाएगा। जिला पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही सभी प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में भिंड के वार्ड नंबर 3 के जिला पंचायत प्रत्याशी रामेंद्र सिंह रामू ने जनसंपर्क कर जनता का आशीर्वाद लिया। वहीं अपने जनसंपर्क के दौरान वे खरीका और मोतीपुर गांव पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका स्वागत कर उनको फलों से तोल दिया। जनता से मिल रहे इस स्नेह के बाद रामेंद्र सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वहीं अपने जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस दौरान जनसंपर्क करते समय उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। इनका क्षेत्र से जनता ने मुझे बताया कि रामू भैया ठीक है, तो इसलिए मैं भी कहता हूँ कि रामू भैया ठीक है और फर्स्ट नंबर में चल रहा है अभी पूरे क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 3 में। हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ में चल रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय मुझे दे रहे हैं और दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, विजय भक्त का आशीर्वाद दे रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की कृपा है। कितनी पंचायतों में आपका जनसंपर्क हो चुका है? लगभग सभी गाँव में पंचायतों में संपर्क मेरा हो चुका है। ऐसी कोई पंचायत नहीं बची जिस गाँव हमारा संपर्क नहीं हुआ हो और जिस गांव में के लोग हमारा समर्थन नहीं कर रहे हों। प्रत्येक गांव से हमारे साथ में लोग हैं। आज आपको जितनी जो भीड़ संख्या हजारों की संख्या में दिख रही है, ये सारी भीड़ प्रत्येक गांव के लोग हैं। ऐसा कोई पंचायत नहीं जिस गांव के लोग मेरे साथ में नहीं चल रहे। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से लगे ग्राम रोहना कला के शंकरगढ़ के रहने वाले शहीद भारत यदुवंशी का राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कश्मीर 47 रेजिमेंट के जवान और जबलपुर आर्मी से पहुंचे अधिकारी सहित 20 सैनिक की बटालियन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।